दोस्तों आज तारीख 3 अप्रैल 2024 दिन बुधवार और आइए उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए पहला योगी सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी नौकरी वालों को अब नहीं मिल पाएगा तगड़ा दहेज, सरकार को देना पड़ेगा शादी का घोषणा पत्र। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में अब सरकारी नौकरी वाले लोग अपनी शादी में किसी भी तरह का दहेज नहीं ले सकेंगे। प्रत्येक सरकारी सेवक को अपनी शादी के समय का उल्लेख करते हुए अपने नियुक्ति प्राधिकारी को घोषणा पत्र देना होगा, मतलब एक शपथ पत्र देना होगा कि हाँ मेरी शादी हुई है, मैंने कोई दहेज नहीं लिया है। ये वाकई में योगी सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है। और वैसे सरकारी नौकरियों का एक और अच्छा अपडेट आपको बता दूं, यूपी में आंगनबाड़ी भर्ती के लिए भी आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ चुकी है। 23,000 से ज्यादा नौकरियां निकली हुई है। बताया जा रहा है कि कुछ जिलों में अंतिम तिथि बढ़ाने का फैसला किया है। वैसे तो इसकी लास्ट डेट 11 अप्रैल है, उससे पहले पहले आवेदन कर दें, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है। खास करके माताओं बहनों के लिए अच्छा मौका है इस आंगनबाड़ी भर्ती में। ओके, और अगला अपडेट है, यूपी में आरओ एआरओ पेपर लीक के बाद यूपी भर्ती बोर्ड ने भी कई नियमों में बदलाव किया, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, केस पकड़ने के लिए सभी हवाई अड्डों पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट तैनात की जाएगी, काले धन के इस्तेमाल पर लगेगी रोक। अभी लोकसभा चुनाव का जो माहौल चल रहा है, इस बीच चुनाव आयोग की तरफ से यह फैसला लिया गया, प्रदेश के सभी हवाई अड्डों पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट्स यानी कि AIU तैनात की जाएगी और काले धन को लेकर किसी भी तरह की शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किए हैं, ये आप देख सकते हैं 1800180 या इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, राहुल गांधी को मौलाना सज्जाद ने लिखा पत्र, पूछा सवाल, आखिरकार कांग्रेस खुलकर मुसलमान पर क्यों नहीं बात करती, ओवैसी का मुद्दा उठाने के लिए बधाई भी दी। और यूपी सरकार में मंत्री संदीप सिंह भी बोले कि बसपा हमारी पार्टी है। दानिश अली के कार्यक्रम पर लात घुसे भी चले, कल काफी माहौल बिगड़ गया था, गुस्साए कार्यकर्ताओं ने खन्ना चौधरी को मंच से भी गिराया, ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अमरोहा में गठबंधन के प्रत्याशी दानिश अली के मंच पर ये जमकर हंगामा हुआ। और खबर है, ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य बोले कि जो गौ रक्षा करे उसी को वोट दें, दुनिया में सिर्फ एक ही धर्म है, वह है सनातन धर्म, बाकी सब भ्रम है। गोरखपुर से ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने ये बातें कही। और वहीं खबर देखिए आप, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पीछे खड़ा कमांडो कल बेहोश होकर गिर गया पीलीभीत में, जब सीएम योगी संबोधित कर रहे थे जनता को उस दरमियान, हालांकि मंच पर खड़े दूसरे कमांडो ने तुरंत उनको संभाल लिया, ये देख सकते संभालते हुए तस्वीरें भी। वहीं सीएम योगी ने बरेली का दौरा भी किया, यहां से चुनावी संकनाद की शुरुआत की और प्रबुद्ध जन सम्मेलन में बोले सीएम कि तीसरी बार मोदी सरकार, पूरी ताकत से जिताने की अपील भी की। बरेली में मुख्यमंत्री ने कहा कि 500 साल के इंतजार के बाद रामलला विराजमान है, ये है मोदी की गारंटी, विपक्ष पर निशाना भी साधा। बदायूं का दौरा भी किया सीएम ने, बदायूं में बोले कि असंभव लगने वाले काम को पीएम मोदी ने करके दिखाया है संभव, पिछली सरकारों में बम विस्फोट होते थे, अब बम बम सुरलहरी। बदायूं में योगी ने विपक्ष पर कुछ अनोखे अंदाज में हमला किया, मुख्यमंत्री बोले कि भाजपा ही भ्रष्टाचारियों को जेल भेज सकती है। योगी ने कहा आम चुनाव भ्रष्टाचार बनाम जीरो टॉलरेंस का मुकाबला है। वैसे आज 3 अप्रैल को सीएम योगी आगरा का भी दौरा करेंगे, यहां भी प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चलिए अगली खबर देखिए, यूपी में मिशन 80 के लिए भी तैयार हुआ मोदी का वर्चुअल प्लान, 10 सीटों पर एक साथ रैलियां करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये वर्चुअल रैलियां की जाएगी, नमो ऐप के जरिए पीएम मोदी बूथ अध्यक्षों से बातचीत करेंगे और प्रदेश में डिजिटली जनसभा करेंगे। और खबर है दोस्तों, परसों 5 अप्रैल को बागपत भी आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यहां जनसभा को संबोधित करेंगे, जयंत चौधरी भी मौजूद रहेंगे, प्रशासन भी तैयारियों में जुटा। और वहीं कुछ दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों, एक्सीडेंट की, यूपी में बाराबंकी में स्कूली बस पलटने से 4 बच्चों समेत 5 लोगों की जान चली गई। बाराबंकी में यह हादसा हुआ, 25 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, ये सभी लखनऊ से पिकनिक मनाकर लौट रहे थे, तभी कल शाम तेज रफ्तार स्कूली बच्चों से भरी ये बस पलट गई। देख सकते हैं बस को कई लोगों ने मिलकर वापस खड़ा किया, पूरी बस आड़ी गिर गई और इन बच्चे बच्चों के माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। मतलब स्कूल बस का ड्राइवर है, इतने बच्चे बैठे हैं तो जरूर बस को नियंत्रित चलाना चाहिए था, लापरवाही की है कहीं ना कहीं। और एक और दुर्घटना हुई उत्तर प्रदेश में, देखिए आप, चित्रकूट में डंपर और ऑटो की टक्कर में 7 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि ओवरटेक करने के चक्कर में यह हादसा हुआ, क्रेन से रेस्क्यू किया गया, इसलिए जिंदगी में हमेशा गाड़ी वगैरह धीरे चलाएं। और कानपुर में एक आग लगने की घटना भी देखी गई, राखी मंडी में भीषण आग लग गई, 60 से ज्यादा झोपड़ियां जल गई, 50 फीट ऊंची लपटें उठी, 3 किलोमीटर से धुआं दिख रहा था, इतनी भयंकर आग थी, ये देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें भी। चलिए अगली खबर है, आगरा में ADA की 664 अवैध कॉलोनियों को सील किया जाएगा, समीक्षा बैठक में कमिश्नर ने निर्देश दिए, 4,600 बकायादारों के आवंटन भी निरस्त किए जाएंगे, ये देख सकते हैं ज्यादा जानकारी। और अगली खबर देखिए, बाबा विश्वनाथ ने तोड़ा 1 महीने की कमाई का रिकॉर्ड, मार्च में बाबा को मिला 11.25 करोड़ का चढ़ावा। वाराणसी काशी बाबा विश्वनाथ धाम की बात हो रही है, पिछले साल से 1.5 गुना ज्यादा चढ़ावा और भक्तों का दान मिला है इस बार मार्च महीने में ही। और इतना ही नहीं दोस्तों, अयोध्या को लेकर तो एक शानदार रिपोर्ट भी सामने आ रही है, देखिए अयोध्या बनी दुनिया की धार्मिक राजधानी, 48 दिन में ही 1 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे यूपी अयोध्या, वेटिकन और मक्का मदीना में भी 1 साल में 2.25 करोड़ ही जाते हैं, यानी वहां जितने 1 साल में जाते हैं उसके आधे तो यहां 1.5 महीने में आ गए। और इसीलिए उत्तर प्रदेश की अयोध्या पूरी दुनिया की धार्मिक राजधानी बन चुकी है, क्योंकि अयोध्या के रामलला का आकर्षण ही ऐसा ही है, हर किसी का मन करता है प्रभु श्री राम के धाम जाकर उनके दर्शन करने का, है ना। अभी तो आप घर बैठे ही दर्शन कर लीजिए,
दीजिए, बोलो जय प्रभु श्री राम। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा और प्रभु श्री राम के लिए एक लाइक तो बनता है यार दोस्तों, फटाफट से लाइक कर दीजिए इस वीडियो पर। अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि आप अपने राज्य की डेली की बड़ी खबरें मुख्य समाचार तुरंत इस चैनल डेली यूपी न्यूज के माध्यम से अपने मोबाइल पर देख पाएंगे। और जब भी कोई योगी सरकार का बड़ा ऐलान होता है, नई योजना शुरू की जाती है यूपी में, तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलेगी, है ना। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो फटाफट से। और चलिए टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सीधे आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए बांदा जेल के अधिकारी बताएंगे आखिर कैसे हुई मुख्तार अंसारी की मौत। मुख्तार का वकील बोला कि जेल के सभी सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित कर लिए जाएं। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी मुख्तार की फाइल बंद कर दी, मौत के बाद अब नहीं होगी दया याचिका पर सुनवाई। गैंगस्टर एक्ट में हाईकोर्ट ने सुनाई थी 5 साल की सजा, तो उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में यह दया याचिका लगाई हुई थी, लेकिन अब जब मुख्तार ही दुनिया में नहीं रहा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फाइल बंद कर दी। अखिलेश यादव भी बोले कि जेल में जहर तो कहीं गाड़ी पलट रही। भाजपा ने जीरो टॉलरेंस को अंग्रेजी में इसलिए बोला ताकि गरीब समझ न पाए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव कल कन्नौज पहुंचे और इस दौरान उन्होंने यूपी सरकार पर कई आरोप भी लगाए। चलिए अगली खबर देखिए, कानपुर में बनेगा भूल भलैया मेज पार्क। 12 एकड़ में बनाया जा रहा है, 2.25 लाख पौधे लगाए जाएंगे, बाहर निकलने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसा भूल भलैया पार्क बनाया जा रहा है। और खबर है नवरात्रा मेले पर 30 ट्रेनें मेहर स्टेशन पर रुकेगी प्रयागराज में। रेलवे ने यात्रियों को सहूलियत दी, कई रूटों की अहम ट्रेनों को 2 से 5 मिनट तक का ठहराव भी दिया। अभी नवरात्रा शुरू होने वाले हैं, भक्तों की भीड़ ना रहे इसलिए रेलवे की तरफ से ये शानदार फैसला लिया गया। चलिए अगली खबर है, अब घर बैठे बन जाएगी आभा हेल्थ आईडी कार्ड। प्रयागराज में संचारी रोग नियंत्रण अभियान के साथ साथ आशा और ANM भी ये काम करेंगी। ये नया अभियान शुरू हो चुका जो कि 30 अप्रैल तक चलेगा। लाभार्थी के घर जाकर अपने मोबाइल से उनकी आभा आईडी कार्ड बना दी जाएगा। ये 14 अंकों का एक विशिष्ट पहचान संख्या होती है जिसके जरिए मरीज सरकारी अस्पताल में जाने पर आसानी से इलाज करा सके, है ना। अच्छा एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, योगी सरकार के 5 ऐसे बड़े फैसले रहे जिन्हें 7 राज्यों ने कॉपी किया। बुलडोजर से 3,758 करोड़ की अवैध संपत्तियां गिराई योगी सरकार ने। 197 बदमाशों को एनकाउंटर करके ढेर कर दिया। और भी सीएम योगी के 5 बड़े फैसले आप देख सकते हैं, लव जिहाद पर कानून बनाया, लाउड स्पीकर पर एक्शन लिया, बुलडोजर एक्शन, लॉ एंड ऑर्डर और गोवध पर कानून। तो योगी सरकार के इन 5 फैसलों को मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, हरियाणा और झारखंड राज्यों की तक सरकारों ने कॉपी किया। वहीं उत्तर प्रदेश ने अब तक हमारे देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री भी दिए। यूपी ने 58 साल देश चलाया, 14 में से 9 प्रधानमंत्री यूपी से रहे। 17 आम चुनाव में 12 बार यहाँ 50 से ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी की सरकार बनी। यानी उत्तर प्रदेश भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण राज्य है आप अंदाजा लगा सकते हैं ना। चलिए अगली खबर आ रही है, ट्रेनों में बढ़ती भीड़ के बाद अब उत्तर मध्य रेलवे ने भी निर्णय लिया, बिहार से दिल्ली के लिए भी 4 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी जो कि यूपी कानपुर रूट से होकर चलेगी। और रोड डेवलपमेंट पर भी अच्छी खबर आ रही, चेन्नई बंगलुरु की तरह बनेगी सड़कें। 5 शहरों के नगर आयुक्त स्टडी टूर पर जाएंगे बंगलुरु, हर शहर में बननी है सीएम ग्रिड की स्पेशल रोड भी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में सड़कों को बेहतर बनाने के लिए अब ये नया प्लान बनाया जा रहा है। 7 से 10 अप्रैल तक कानपुर, गाजियाबाद, अलीगढ़, प्रयागराज और मुरादाबाद के नगर आयुक्त स्टडी टूर पर बंगलुरु भेजे जाएंगे। इन प्रत्येक शहर में 100 करोड़ रुपए से शहर के अंदर 5 स्पेशल रोड बनाई जाएगी जो कि बंगलुरु की तरह बनेगी। चलिए अगली खबर है, यूपी के लिए बड़े गर्व की बात देखिए, आयरलैंड में बायो एथेनॉल पर रिसर्च करेगा BHU का छात्र। वाराणसी में PhD की इन्होंने और अब यूरोप में मिली इन्हें पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप। वेस्ट से बनाएंगे एनर्जी, इस पर ये रिसर्च करेंगे। मौसम समाचार पर खबर है, उत्तर प्रदेश में फिर से बदलने वाला है मौसम। नोएडा, गाजियाबाद समेत कई जिलों में आंधी और बारिश के आसार है। मौसम विभाग का कहना कि 4 अप्रैल से मौसम में ये बदलाव फिर से देखने को मिलेगा और 5-6 अप्रैल को पश्चिमी यूपी में कुछ जगहों पर हल्की फुल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है। चलिए अगला अपडेट देखिए, अखिलेश यादव कन्नौज तो आए लेकिन चुनाव लड़ने का खुलकर ऐलान नहीं किया। इशारों में अखिलेश बोले कि कन्नौज मेरा घर है, इसे मैं छोड़ नहीं सका। हालांकि अखिलेश ने मेरठ में सपा कैंडिडेट भी बदल दिया, अब प्रभु श्री राम के किरदार निभाने वाले अरुण गोविल के खिलाफ अतुल प्रधान लड़ेंगे चुनाव। और वही खबर देखिए, ज्ञान व्यापी व्यास जी के तहखाने पर होती रहेगी 61 दिन से जारी पूजा। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया। अभी 1-2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश सुनाया था कि हिंदू मुस्लिम दोनों पूजा कर सकेंगे ज्ञान व्यापी में, है ना। खबर है, वोटिंग से पहले यूपी में एक्टिव हुए गृह मंत्री अमित शाह, कई नेताओं के साथ बैठक भी करने जा रहे हैं। पहले और दूसरे चरण की सीटों के लिए व्यू रचना करेंगे अमित शाह। यूपी के लिए भाजपा की तैयारी भी शुरू हो गई और आज 3 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह मुरादाबाद में भी आएंगे। 13 जिलों की कोर कमेटी के पदाधिकारियों के साथ ये समीक्षा बैठक होगी। चलिए खबर है, सपा के पूर्व विधायक उज्जवल रमन कांग्रेस में शामिल हुए, प्रयागराज से लड़ेंगे ये लोकसभा चुनाव। और यूपी सरकार ने शराब बेच करके भी एक नया रिकॉर्ड बना दिया, हर घंटे लगभग 5.5 करोड़ की कमाई की योगी सरकार ने शराब से। देखिए शराब बिक्री से मिला टोटल 47,600 करोड़ रुपए का राजस्व है जो कि पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले लगभग 7-8 हजार करोड़ ज्यादा था, क्योंकि पिछले साल 41,250 करोड़ ही राजस्व था। और इसको प्रति घंटे के हिसाब से निकाला जाए तो लगभग 5.5 करोड़ रुपए हर घंटे कमाई योगी सरकार ने शराब के टैक्स से। वैसे आजकल आचार संहिता लगी हुई है, इस दौरान भी देखिए उत्तर प्रदेश में पिछले 1 महीने में ही 104 करोड़ की शराब, ड्रग और नकदी जब्त की गई, अवैध तरीके से इनकी तस्करी की जा रही थी। चलिए अगली खबर है, यूपी में युद्धाभ्यास होगा तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर
जगुआर तेजस सुखोई विमान उतरेंगे और इसीलिए 12 अप्रैल तक ये एक्सप्रेसवे आम लोगों के लिए बंद रखा जाएगा। रेलवे से एक और अच्छी खबर आ रही है। वाराणसी से वाया अयोध्या लखनऊ तक मेमू स्पेशल ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। 20 अप्रैल तक रोजाना इस ट्रेन का संचालन होगा। चलिए कुछ केंद्रीय न्यूज अपडेट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड का दौरा किया। यहां देहरादून में बोले कि तीसरे टर्म में फ्री बिजली का टारगेट रखा है मोदी सरकार ने। देश में आग लगाने की बात करने वालों को चुन चुन कर साफ कर दो। कांग्रेस इमरजेंसी माइंडसेट वाली पार्टी है। पीएम बोले कि भाजपा मतलब विकास और समाधान, कांग्रेस का मतलब देश की हर बीमारी की जड़। तीसरा टर्म ऐतिहासिक फैसलों वाला होगा और इसमें सबसे बड़ी घोषणा रही प्रधानमंत्री की बिजली बिल शून्य करने को लेकर। इस वादे समेत भ्रष्टाचार के मुद्दे से लेकर पीएम ने अपने भाषण में क्या बड़ी बातें कही, देख सकते हैं आप कुछ पॉइंट्स भी। चलिए अगली खबर है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड बेचने और भुनाने की एसओपी बताने से इनकार कर दिया। एक आरटीआई याचिका लगाई लेकिन एसबीआई ने इसके जवाब में कहा कि सूचना के अधिकार के तहत एक धारा में ये छूट मिलती है। एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो एसबीआई ये नहीं बता रहा है। और वहीं देखिए अगली बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव में वाहनों पर होने वाली फिजूल खर्ची पर भी रोक लगाएगा चुनाव आयोग का ये ऐप। हेरा फेरी पर भी रोक लगेगी और घर बैठे ही आप इस ऐप के जरिए चुनावी उम्मीदवार की कुंडली भी देख पाएंगे। इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से VMS यानी व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम करके एक नया मोबाइल ऐप लाया जा रहा है, जिससे पेट्रोल डीजल में कितना खर्च हुआ वगैरह वगैरह सब कुछ एनालिटिक्स डेटा देखा जा सकेगा। इसके अलावा झूठी सूचनाओं पर भी अब चुप नहीं बैठेगा चुनाव आयोग, पर्दाफाश किया जाएगा। इसको लेकर भी एक नया पोर्टल लॉन्च हो चुका है। दरअसल चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर एक नया फीचर लॉन्च किया मिथ वर्सेस रियलिटी नाम से, और इस पोर्टल के जरिए सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले झूठ पर भी शिकंजा कसा जाएगा। चलिए अगली खबर है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तो 15 दिन जेल भेज दिए गए, लेकिन उनके एक मंत्री आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जमानत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने बेल का विरोध भी नहीं किया। 6 महीने से ये जेल में बंद थे। पिछले साल 4 अक्टूबर को इन्हें गिरफ्तार किया गया था। हालांकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को तो 15 दिन तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया है। अभी उनकी जेल के बैरक में भी सुरक्षा व्यवस्थाएं कड़ी की जा रही है। चलिए अगली खबर है। भ्रामक विज्ञापन केस के मामले में रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी, लेकिन अदालत ने माफी मंजूर नहीं की और सरकार से भी कहा कि आपने आंखें क्यों मूंद रखी हैं, ऐसे विज्ञापनों पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही। और खबर है दोस्तों, राज्यसभा से मनमोहन सिंह समेत 54 सांसद रिटायर हो रहे हैं। इनमें 9 तो केंद्रीय मंत्री भी शामिल है। सिर्फ 2 की वापसी होगी, बाकी 49 राज्यसभा के सदस्य सेवानिवृत्त हो चुके हैं कल मंगलवार को ही। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सभी मोबाइल फोन यूजर्स के लिए बड़ा अपडेट आ रहा। 15 अप्रैल से बंद हो जाएगी USSD की कॉल फॉरवर्डिंग सर्विस। *401 हैश करके जो कॉल फॉरवर्ड फीचर मिलता है, ये सुविधा अब आपको नहीं मिलेगी क्योंकि 15 अप्रैल से सरकार इसे परमानेंटली बंद करने जा रही है। आए दिन होने वाले बैंकिंग फ्रॉड, सिम कार्ड से जुड़े नंबर से होने वाले फ्रॉड धोखाधड़ी को रोकने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया है। ओके, और इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही समाप्त होता है। डेली उत्तर प्रदेश की ताजा बड़ी खबरें समाचार देखते रहने के लिए डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और वैसे आप यूपी के कौन से जिले में रहते हो दोस्तों, कमेंट करके मुझे बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।